ओके नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस। और आज की ये वीडियो बहुत मजेदार है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आप सभी के चाहते घुड़सवार राइडर पोंगा यादव जी हमारे साथ इस वीडियो में मौजूद है। और काफी सारे लोगों के सवाल रहते हैं और वो हमेशा पूछते रहते हैं कि एक घुड़सवार बनने के लिए किन स्टेपों का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है और किन चीजों का ध्यान रख के वो पहली बार घुड़सवारी कर सकते हैं। तो ये वीडियो नए तरीके से घुड़सवारी करने के लिए है, जो घोड़े पे बैठकर और पहली बार घुड़सवारी कर रहे हैं या कैसे घुड़सवारी करना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है पोंगा यादव जी। दर्शकों का काफी सारा सवाल रहता है आपसे कि कभी उनको बुलाई लाइए और कम से कम ये चीज सिखाइए कि घुड़सवारी की कैसे जाती है। जैसे मान लो, तो हमें ये बताइए कि सबसे पहले अगर मुझे ही घुड़सवारी ना आती हो और मैं पहली बार बैठूं तो किन बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए जब मैं घोड़े की सीट पर बैठता हूँ। पहले नंबर तो घोड़ा रेस चाहिए, और उसके बाद की ज्यादा से ज्यादा सवार एक बार बैठ जाता तो और अच्छा रहता। उसके बाद की देख लीजिए, उसके बाद बगधारी, बगधारी का मतलब एकदम बाघ को दिमाग में रखना है कि सीधा रखना है, बैठा कि ईरान ढील मत हो, और उसके बाद की ज्यादा भगाने के चक्कर में मत पड़े। एक चीज हम पूछे कि अभी मान लीजिए मैं घोड़े पे बैठता हूँ जी, तो सबसे पहले मैं कहाँ सीट पे अपनी पोजीशन कैसे फिक्स करूँगा? ये सीधा बैठ जाइए, आराम से रान पर ख्याल रखिए। पहला रान का मतलब ये पोर्शन आपका है। हाँ, इसको क्या दोनों तरफ से दबाए रखना? हाँ, दबना चाहिए, दबाए रखना। हाँ, तो और ये चीज आपका ये फ्री रहना चाहिए। कभी कभी ये देना है, और उसके बाद शरीर को अपना बैलेंस बनाना है, बगधारी, और उसके बाद जितना आराम से घोड़ा घूमे यही। तो चलिए, आप ये रान पोजीशन आपकी फिक्स हो गई। अब दूसरी चीज है कि बाघ की तो जैसे बाघ ये बागडोर यहाँ से लगी है और आप हाथों में ये पूरी बड़ी बड़ी बागडोर है। हाँ, हाँ। तो इसमें आप एक आदमी अंदाजा कैसे लगाएगा कि इसको पकड़ेगा? ये लगाए कि इतने पे रहेगा तो घोड़ा कंट्रोल भी रहेगा और सीधा भी बाघ रहना चाहिए। ये दोनों तरफ की रस्सियाँ सीधी रहनी चाहिए, क्या हाथ भी बराबर पकड़ना चाहिए? हाथ भी पकड़ना चाहिए, और थोड़ा बाघ में हाइट भी चाहिए, हाइट चाहिए, इसे भी एम लेना चाहिए। पेट से आप एम एक लगा सकते हैं। अब देखिए, एक बार हम आपको घुमा करके दिखा देते हैं। हाँ, घुमा के दिखाइए। सगाम रहवाल जो नया आदमी है कि कम से कम में कंट्रोल में हमारा सगाम रहवाल के लिए देखिए, अभी मोबाइल से शूट हो रहा है तो दूर की वीडियो नहीं आ पाएगी। थोड़ा सा दिखा देते हैं। हाँ, वो दिखाइएगा दो चार पैर। अभी आप घोड़े को जैसे उठाया जा रहा है ये चीज आप देख रहे हैं, अभी आप अब उठाइए घोड़े को, देखिए। चलिए अब देखिए, घोड़ा उठ चुका है और सामने जा रहा है और उधर। हाँ, अब मोड़ के लाइए। अब देखिए, यहाँ ईरान है, इसको बगधारी को दिमाग में रखना है कि सीधा एकदम रहे, मतलब मुड़ी घोड़े की सीधी होनी चाहिए, और शरीर भी अपना एकदम सीधा रहना चाहिए एकदम। कभी कभी ठीक है, नया आदमी इतना पर भी घुमाएगा तो बहुत जानवर भी अच्छा रहेगा, वो भी अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ जानकारी ज्यादा मिलेगी। मतलब ये दोनों तरफ की अगर बाघ सीधी रहे तो घोड़ा अच्छा चलेगा, अच्छा चलेगा, कंट्रोल में भी रहेगा। और मिला के लगभग, अगर देखिए, ये उन घोड़ों के लिए है जो घोड़े ट्रेंड है। अगर अनट्रेंड घोड़े पे बैठेंगे तो ये चीज है आपका वो समझेगा ही नहीं। इस घोड़े को इन्होंने सिखाया है, फिर भी अभी बच्चा है ये, अभी सभी के घुड़सवारी करने लायक नहीं है। बड़ा घोड़ा रहेगा तो उसी पे आप घुड़सवारी कर रहे हैं। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे एक बार और जब ये समय निकालकर हमारे साथ फिर होंगे तो उस वीडियो में हम आपको बताएंगे घोड़े को आप रहवाल, सगाम, दुगामा और क्या चीजें होती हैं चाल में, ईरगा, ये सब चीजें, घोड़ा कैसे चलता है और इन किन पैरों को इन चीजों का नाम दिया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और पोंगा यादव जी की घुड़सवारी आपको पता है, बहुत दूर दूर से फोन आता है आपके लिए कि इनको जैसे हमारे यहाँ घोड़े ट्रेंड करने के लिए भेज दीजिए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करेंगे, रेस वाले घोड़न से मौका नहीं मिलता है, इधर भी समय लगाना ज्यादा पड़ता है ना। तो देखिए, जो अभी लोग फोन करते हैं उनके लिए एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि यूपी बिहार में जो भी घुड़सवार है वो बाहर जाने के लिए तो नहीं खाली है। तो चलिए, आपने इस वीडियो में जो कुछ भी सीखा और आपके कुछ सवाल होंगे तो आप हमें जरूर लिखें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।